तो क्या रहे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे हम एक वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि टर्मक्स क्या है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं राइट वे में। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टर्मक्स इंस्टॉल करके रख लिया है, लेकिन उन्होंने तरीका गलत यूज़ किया या कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है इंस्टॉलेशन में, और मैं वो तुम्हें अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर जो अपने को प्रो का झाड़ समझ रहा है वो इस वीडियो को छोड़ करके जा सकता है। देखो, ये है टर्मक्स ऐप। अब कुछ लोग गलती करते हैं, टर्मक्स ऐप को जाकर के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन प्ले स्टोर का वर्जन इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि वो वर्क नहीं करता है ठीक से, ठीक है, और उसमें आप अपडेट नहीं आ रही है। और दूसरे कुछ लोग हैं जो लोग जाकर के एंड्रॉयड से इंस्टॉल करते हैं, तो उनका काफ़ी हद तक सही है, लेकिन एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो यूनिवर्सल वर्जन है, और वो दोनों आर्किटेक्चर के लिए है। और उसमें तो अब अगर तुम दोनों आर्किटेक्चर के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो उसमें क्या होता है, स्प्लिट कॉन्फ़िग जो एपीके होते हैं ना दोनों आर्किटेक्चर के, उसमें ऐड रहती है, जिसके कारण वो ज़्यादा एमबी का होता है, फिर ज़्यादा बड़ा रहता है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज क्यों खर्चा करें अपने फ़ोन का। अपने डिवाइस के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें टर्मक्स इंस्टॉल करना है उसे गिटहब के पेज से। ओके, तुम्हें जा करके सिंपल से गिटहब पे टर्मक्स लिखना है, गिटहब टर्मक्स, और सर्च कर देना है। यहाँ पे जब वहाँ टॉप में आ जाएगा टर्मक्स, टर्मक्स में एक बार ओपन कर लेना इस तरह से। उसके बाद टर्मक्स ऐप जहाँ से होगा उसको ओपन कर लेना है। इस रिपोजिटोरी को जब तुम ओपन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके तुम्हें जाना है रिलीज के ऊपर, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, रिलीज का, उसको जाकर के क्लिक करना है, ढूंढना है तुम्हें, ठीक है ना। नीचे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मिल जाएगा यहीं पे कहीं। तो यहाँ पे गिटहब रिलीज तो हो रहा है, यहाँ पे गिटहब बिल्ड एक्शन है, ठीक है, दोनों है। तुम लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और गिटहब रिलीज से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गिटहब रिलीज में क्लिक कर देना एक बार। यहाँ पे तुम्हें जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो टॉप में शो होगा इस तरह से, 0.1.1.8.0। तो ये वर्जन अभी टर्मस का चल रहा है। यहाँ पे चेंज लो क्या क्या उसमें चेंजेस है वो शो होगा, यहाँ पे उसके एसेट से, यानी कि सारे एप्लीकेशन वगैरह। तो एसेट पे तुम्हें एक बार क्लिक कर लेना अगर ओपन नहीं होता इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें टर्मस से सारे आर्किटेक्चर शो होंगे। तो ये जो टर्मक्स ऐप है, ये आर्किटेक्चर टर्मक्स का ARM64, यानी कि जो R64 वाला है, और ये नीचे जो है वो ARM जो भी वी जो भी है, तुम्हें अपने डिवाइस का आर्किटेक्चर के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका नेम, यहाँ पर शो नहीं हो रहा फिलहाल, तो लिंक टेक्स्ट इस तरह से कॉपी करके तुम चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन सा वर्जन है पेश करके। तो यहाँ पर देखो ARM AB1 2nd वाला है। अगर जिसका ARM HF का फ़ोन है वो ये वाला इंस्टॉल कर लेना, और जिसका ARM64 का R64 का वो टॉप ऊपर वाला इंस्टॉल करना। ओके, क्लिक करना है, ये डाउनलोड तुम्हारा शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनलोड शुरू हो जाने के बाद, ये लगभग 20 या 29 MB का है, जब तक ये डाउनलोड होता है वेट कर लेते हैं हम लोग। तो अब ये टर्मक्स ऐप जो है हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, पूरी डाउनलोड हो चुका है, अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो क्लिक करते हैं, उसके बाद तुम्हें इसको सिंपल से इंस्टॉल कर देना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रिमूव पहले देख लेते हैं, ये मेरे टर्मक्स जो नॉर्मल है, इसमें मैंने ZSS थीम वगैरह लगा के रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, अनइंस्टॉल। जब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा तब मैं इस फाइल को यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा, इस वाले ऐप को, ठीक है। अब मैं टर्मक्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। और जब टर्मक्स इंस्टॉल हो जाए तो उसको एक बार ओपन कर लेना है। ओपन करने पे तुम्हें कुछ इस टाइप का फल शो होगा, जो भी यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह पूछेगा उसको अलाउ कर देना देने के लिए। तब तो यहाँ टॉप पे तुम्हारा टर्मक्स का नोटिफिकेशन शो होगा। अभी बूट स्ट्रैप पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, जो एसेंशियल पैकेज होते हैं नीडेड, जिसको दूसरों में ज़रूरत पड़ती है, ये हो चुका है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टोरेज का परमिशन देना है, देने के लिए टर्मक्स सेटअप स्टोरेज, ये कमांड तुम्हें रन करना है एक बार। उसके बाद तुम्हें स्टोरेज परमिशन को अलाउ कर देना है। जब तुम इसको अलाउ कर देगे, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर पैकेज अप कमांड रन करना है, PKGup-Y भी लगा सकते हो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट और अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, कुछ गलती मत कर लेना, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना।
इंटरनेट का स्पीड तो ठीक ठाक ही दे रहा है। चलो हो जाएगा डाउनलोड जल्दी, मैं इसको पोज वगैरह नहीं करूँगा, जैसा चल रहा है चलने देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को सही से देखना, क्योंकि अगर तुमने इस इंस्टॉलेशन को अगर तुमने सही से कर लिया तो 90% स्क्रिप्ट जो है वो रन हो जाएंगे टर्मक्स में, कोई एरर नहीं आएगा। अगर उसका और 100% भी स्क्रिप्ट जो है रन हो जाएंगे अगर उनका कोड जो है वो टर्मक्स के लिए कंपेटेबल होगा। तो बेसिकली ज़्यादातर गिटहब पे कोड्स वगैरह हैं, जो कोड है जो रिपोजिटोरी से वो लिनक्स के लिए बनाए, काले लिनक्स या उबंटू डेबियन इन सब के लिए। तो टर्मक्स का जो पैथ होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो यहाँ पर रन नहीं हो पाता। तो स्क्रिप्ट में तुम उसको ऑन करके पैथ वगैरह चेंज कर सकते हो, उसका कर लेना। और अगर तुम ऐसे नॉर्मली रन करना चाहते हो तो तुम टर्मक्स को ऐसे रन करना। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर इसको एडिट करना है। यहाँ पे पूछ रहा व्हाट वुड यू लाइक टू डू अबाउट इट, योर ऑप्शंस आर वाई और आई, इंस्टॉल द पैकेज मैनेजर मेंटेनर्स वर्जन या पैकेज मेंटेनर्स वर्जन, या फिर एन और ओ, कीप योर करेंटली इंस्टॉल्ड वर्जन, डी सो द डिफरेंस बिटवीन द वर्जन एंड जेड स्टार्ट अ सेल्फ एग्जामिन द सिचुएशन। तो यहाँ पैकेज मैनेजर मेंटेनर वर्जन है और करंटली जो इंस्टॉल्ड है वो है, तो हमें डिफॉल्ट में इंस्टॉल करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिंपल से एंटर कर देंगे ना तब भी ये काम करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट यहाँ पर देखो एन सेलेक्ट है। ओके, यहाँ डिफॉल्ट में एन हमारा सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई आई वाई ओ इस नहीं करना है, सिर्फ एंटर करना है तुम्हें। एंटर करो तो ये तुम्हारा इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। अब ये जहाँ पर भी रुकेगा तुम्हें उसको पढ़ना है अपने हिसाब से। यहाँ पे देखो इंस्टॉल द पैकेज मैनेजर्स वर्जन है, यहाँ पे किसका कॉन्फ़िग है, एमओटीडी का। अब एमओटीडी तुम्हें पैकेज मेंटेनर वाला चाहिए या फिर तुम्हें नॉर्मल वाला चाहिए, तो हमें डिफॉल्ट चाहिए क्योंकि एमओटीडी तो हम लोग उसे भी रिमूव कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा फाइल सिस्टम किसका, एमओटीडी प्ले स्टोर वाला, तो यहाँ पर भी हम लोग डिफॉल्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टर्मक्स प्रॉपर्टीज डॉट एस एच, तो यहाँ पे तुम्हें पैकेज मेंटेनर चुनना है या फिर कीप योर करंटली, मैं बोलता हूँ तो मैं एंटर कर दो, डिफॉल्ट वर्जन जो रहेगा वही सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो एंटर कर देना, कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिंपल से एंटर कर दो। जब भी रुकेगा तुम्हें बस एंटर प्रेस करने जाना था कि डिफॉल्ट वर्जन जो है तुम्हारे टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाए। अब ये तुम्हारा टर्मक्स पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है, क्लियर कर लेते हैं। तो ये है टर्मक्स को सही तरीके से इंस्टॉल करने का तरीका। यूनिवर्सल एपीके इंस्टॉल नहीं करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करना है, तुम्हें गिटहब से जाकर के रिलीज में से अपने आर्किटेक्चर के हिसाब से ही टर्मक्स को इंस्टॉल करना है, और ताकि आगे चल के जो भी टूल्स वगैरह तुम रन करोगे वो अच्छे से रन हो सके। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।